हेलो ऑल, वेलकम टू रेलवे की यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वुमेन पैसेंजर्स को जो भी सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो भी उनको रिजर्वेशन की फैसिलिटीज़ मिली है उसके बारे में। आपके घर से, हमारे घर से जब भी महिलाएं जो है ट्रेन में यात्रा करती हैं तो हम लोग थोड़ा चिंतित हो जाते हैं, और चिंता का कारण भी है सामाजिक परिवेश को देखते हुए और तमाम सारी स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए। ऐसे में इंडियन रेलवे जो है टाइम टू टाइम बहुत सारी इनिशिएटिव लेती रहती है जिससे कि वुमेन पैसेंजर्स को किसी भी तरह की असुविधा ना हो अकेले ट्रेवल करने में या अगर ग्रुप में ट्रेवल कर रही है तो भी। ऐसे में इंडियन रेलवे जो है उनको रिजर्वेशन फैसिलिटीज़ भी देता है और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी पूरी तरीके से देता है। तो अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, तो जो भी लॉन्ग डिस्टेंस मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं उसमें स्लीपर क्लास में 6 सीट जो है महिला पैसेंजर्स के लिए रिजर्व किए गए हैं। साथ ही साथ गरीब रथ, राजधानी, दुरंतो और फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन जो भी हैं उसमें 6 बर्थ जो है थर्ड एसी में भी रिजर्व किए गए हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी सीट रिजर्व हैं पहले से सीनियर सिटीजन्स के लिए, वीमेन या मेल के लिए उनको छोड़ते हुए, तो रिजर्वेशन फैसिलिटीज एक्सटेंड की गई है। साथ ही साथ ये रिजर्वेशन यानी कि जो 6 बर्थ जो रिजर्व की गई हैं ये किसी भी फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती हैं, जैसे कि ना ही उम्र पे, ना ही आप अकेले ट्रेवल करते हैं या ग्रुप में ट्रेवल करते हैं उस पे, इनमें से किसी भी चीज़ पे ये निर्भर नहीं करता है। जो भी महिलाएं सिंगल या इवन ग्रुप में ट्रेवल कर रही हैं उनको ये फैसिलिटी जो है मिलती है। दूसरी बात आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। चूँकि एक ट्रेन की जर्नी एक लंबी जर्नी होती है, हो सकती है कि ओवरनाइट की जर्नी हो या हाफ डे की जर्नी हो या फुल डे की जर्नी हो एक्सेट्रा। ऐसे में एक लेडी पैसेंजर जो है, एक वुमेन पैसेंजर जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करती हैं, तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पूरी की पूरी जो है रेलवे की होती है। इसके मद्देनज़र जो है एक मेगा रिक्रूटमेंट इवेंट चलाया गया इंडियन रेलवे में, और इसमें लेडीज़ यानी कि वीमेन आरपीएफ ऑफिसर्स को और स्टाफ को रिक्रूट किया गया एक मेगा स्केल पे। उनको बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के सहारे जो है ट्रेनिंग दी गई, तमाम सारा क्राइम कंट्रोल पे उनको जो है ट्रेंड किया गया, और डिफरेंट स्टेशंस पे प्लस ट्रेन में उनको स्कॉट करने की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही साथ उनको ये भी बताया गया कि जो भी वीमेन पैसेंजर है उनसे आप जाएं, संपर्क करें, उनसे आप बात करें, उनमें एक कॉन्फिडेंस जो है बुस्टअप करें कि आप ट्रेन में अकेले नहीं हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आरपीएफ की एक टुकड़ी जो है आपके साथ हमेशा है और आप जो है सहायता के लिए आप कभी भी हमें बोल सकती हैं। और साथ ही साथ स्कॉट करने से ये भी हुआ कि जो आसपास के ऐसे जो बैड एलिमेंट होते हैं उन पर भी एक लगाम लगी और एक अच्छा फीडबैक इसमें आ रहा है। मेरी सहेली नाम से एक इनिशिएटिव चलाई गई आरपीएफ के द्वारा, जिसमें कि आरपीएफ जो है ऐसे वुमेन पैसेंजर्स को जाकर बात करता है और बात करके उनमें कॉन्फिडेंस बुस्टअप करता है कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टैक्ट करें और हम आपको सेफली जो है आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचवाएंगे। आरपीएफ आप जानते हैं कि ये रेलवे में एक अहम रोल प्ले करती है और जीआरपी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को सप्लीमेंट करती है क्राइम कंट्रोल करने में। साथ ही साथ इंडियन रेलवे जो है 4,934 कोचेस में और 838 रेलवे स्टेशन पे सीसीटीवी कैमरा का प्रोविजन किया है। इस कैमरा से ये हो जाता है कि अगर कोई क्राइम या किसी तरह का थेफ्ट या स्टीलिंग या और भी किसी तरह की अगर छेड़खानी कुछ भी ऐसा होता है तो कैमरे के सहारे जो है उसको देखा जाता है, उसको ट्रैक किया जाता है और कल्प्रिट को जो है उसको कॉट किया जाता है। साथ ही साथ इंडियन रेलवे जो है अपना हेल्पलाइन नंबर 139 जो कि एक यूनिफॉर्म हेल्पलाइन नंबर है 139 जो कि 24/7 अवेलेबल होता है, आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं, जो भी जानकारी आपको चाहिए इस पर अवेलेबल है 24/7। ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से भी इंडियन रेलवे जो है हमेशा आगे आता है और जो है अपने यात्रियों को हर संभव मदद करने का प्रयास करता है। सिक्योरिटी के फ्रंट पे एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ है कि एक स्टेट लेवल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ रेलवे जिसको SLSCR कहा जाता है उसको गठित की गई है, ताकि रेलवे की सिक्योरिटी जो है
जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी लेवल पे और कमिश्नर लेवल पे इसको मॉनिटर किया जा सके, और साथ ही साथ जीआरपी को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी निर्देशित किया जा सके कि किस तरीके से आपको एक कोऑर्डिनेशन में काम करना है ताकि जो है पैसेंजर को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो संबंधित राज्य जो है, जहाँ जहाँ से ट्रेन गुजरती है वो संबंधित राज्य जो है इस पे अपना फोकस करता है, मॉनिटर करता है और ये सेफ पैसेज क्रिएट करता है। तो ये महिलाओं के सुरक्षा के मद्देनज़र तथा रिजर्वेशन इत्यादि के मद्देनज़र जो है इंडियन रेलवेज़ की एक अहम भूमिका है।